leads to question number 15 of exercise mean, median and mode of ungrouped data. Question number 15 is the mean weight of a class of 34 students is 46.5 kg. Friends, 34 students ka mean weight de rakha hai hame 46.5 kg. आगे कह रहा है इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, अगर हम टीचर का भी वेट इंक्लूड करते हैं तो मीन वेट जो होगा वो राइज कर जाएगा, मीन वेट 500 ग्राम से. फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, हमें टीचर का वेट निकालना है कितना हुआ. तो हमें क्या दे रखा है, मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स, मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स का दे रखा है हमें 46.5 kg दे रखा है, राइट फ्रेंड्स. अगर हम टीचर का इंक्लूड करते हैं तो मीन वेट कितना हो जाएगा, इफ वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, राइट फ्रेंड्स. तो मीन वेट कितना आ जाएगा, मीन वेट ऑफ कितने हो जाएंगे, पहले सिर्फ 34 स्टूडेंट्स थे, अब 34 स्टूडेंट्स प्लस वन टीचर, 34 प्लस वन दैट इज 35 का वेट कितना आ जाएगा, इज कितना 46.5. इसमें 500 ग्राम्स बढ़ जाएगा, 500 ग्राम्स का मतलब है 0.500 केजी. अगर हम 500 ग्राम्स को केजी में करेंगे तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे. वो कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं समझाऊंगी, लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. तो 500 को हम क्या करते थे, सॉरी डिवाइड कर देते थे 1000 से, तो वो क्या आता था 0.5 केजी आ गया. तो यहाँ इसलिए 0.5 को ऐड कर, तो ये कितना आ जाएगा 46.5 प्लस 0.5 दैट इज 47 केजी आ गया मीन, राइट फ्रेंड्स. अब वो कह रहे टीचर का वेट निकालना है तो कितना आया, तो टीचर का वेट कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, पहले सिर्फ मीन वेट निकालेंगे जब 34 स्टूडेंट्स थे. तो मीन वेट ये हम ओल्ड मीन वेट कर देते हैं, ओल्ड मीन ऑफ 34 स्टूडेंट्स. तो सारे स्टूडेंट्स का वेट निकाल लेते हैं कितना आएगा, वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. मीन वेट कितना दे रखा है 46.5 और सम कितना आएगा, सम की जगह सम ही आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 34, राइट. तो सम कितना आ गया, सम इक्वल्स ये प्लस डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया 46.5 इंटू 34, राइट. तो ये देखिए यहां कर लेते हैं 0.5 इंटू 34, 4 5 इज 20 टू कैरी, 4 6 इज 24, 25 26, 4 4 इज 16 17 18, 3 5 इज 15 कैरी 1, 3 6 इज 18 19 कैरी 1, 3 4 इज 12 एंड 13, 0 1 कैरी 1 18 कैरी 1 5 एंड 1, और एक के बाद पॉइंट था तो यहाँ एक के बाद, तो ये आ गया 1581 केजी वेट आ गया सारे स्टूडेंट्स का. अब हमें मीन वेट 35 स्टूडेंट प्लस टीचर का मीन वेट कितना आ रहा है 47 केजी. तो न्यू मीन कितना आया, न्यू मीन ऑफ स्टूडेंट प्लस टीचर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर, राइट फ्रेंड्स. तो कितना आया था हमारा 47 केजी इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय नंबर कितना हो गया अब हमारा 35, क्योंकि टीचर बढ़ गई. तो सम कितना आ गया, सम ऑफ टीचर प्लस
स्टूडेंट, राइट? कितना आ गया ये? यहां डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। 47 मल्टीप्लाइड बाय 35, दैट इज यहां कर लेते हैं 35 से मल्टी, 5 7 35, 23 3 7 21, 3 4 12 13 14, तो ये आ गया 5 4 6 1 1 6 4 5 kg, राइट फ्रेंड्स? तो टीचर का वेट कैसे निकलेगा? जिसमें टीचर और स्टूडेंट का वेट था उसमें से स्टूडेंट का वेट हटा देंगे तो हमारा टीचर का वेट निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं टीचर वेट इक्वल्स टू सम ऑफ टीचर प्लस स्टूडेंट माइनस सम ऑफ स्टूडेंट वेट तो ये कितना आया? ये आया हमारा 1645 माइनस हो गया 1581, तो कितना आ गया? 5 में से 1 गया 4 एंड 14 में से 8 गया 6 केजी इज द आंसर, 64 केजी इज द आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।